आप नील मोटवानी और विंध्या की बात कर रहे हो, साथ में मुझे दीपिका और रणवीर भी याद आ रहे हैं। उफ, इतने अमेजिंग कपल्स। इतना अच्छा लगता है जब लोग परफेक्ट अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं, शादी करने का डिसाइड करते हैं, बिकॉज एक ज़माने में शादी बहुत बड़ा टैबू होता था। आई थिंक नाउ हमारी इंडस्ट्री में टैबू नहीं, बट पीपल वर नॉट ओपन। उनको लगता था कि एक बार शादी कर ली तो आपका टैग लग जाएगा, आप स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, हस्बैंड बन जाएंगे, तो हीरोइंस ऑडियंस आपको देख नहीं पाएंगी विद अदर एक्ट्रेसेस, बट ऐसा नहीं है। सोच बदल चुकी है व्यूअर्स की भी एंड थैंकफुली एक्टर्स की भी, और वो लोग तुरंत डिसीजन लेके शादी करें। आई थिंक कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई है। पहले लोग कन्फ्यूज थे, एक दौर था जब लोग कंफ्यूज रहते थे कि हम अपना जो अफेयर है वो पब्लिक आई में लेके आएँ कि नहीं लेके आएँ। अब जो लोग लाना चाहते हैं वो बहुत क्लियर हैं, वो खुल के लेके आते हैं, और जो नहीं लाना चाहते हैं वो भी बहुत क्लियर है कि हम नहीं लेके आएँ। तो कंफ्यूजन वाला जो माइंडसेट था वो ख़त्म हो गया। विंध्या और नील बहुत अच्छे दोस्त हुए हैं हमारे। इनफैक्ट नील ने मेरे साथ काम किया है, विवेक के साथ मेरे साथ काम किया है, हम दोनों के साथ उन्होंने काम किया है। विंध्या बहुत ही प्यारी है, दे आर सच अ ब्यूटीफुल कपल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट विंध्या, आई हैव नॉट मेट हर, बट नील इज अ फैब गाय, ही इज फनी एंड ही इज वेरी इंटरेस्टिंग and very respectful towards whoever he meets. So sweet guy, so I want to wish them all the very best, you know, and it's going to be a new chapter, new journey in their lives. I hope that it all goes very smooth the way it's going for us. I think only related Big Boss to mujhe aata, malum bhi nahi hai, hum dono nahi dekhte Big Boss.